और राजनीतिक विशेषज्ञ इस पर क्या कहते हैं। एके मिश्रा साहब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एके मिश्रा जी हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। मिश्रा जी, किसी चीज की यहां पर कमी नजर आई, कुछ मिसिंग नजर आया, या फिर पूरी तैयारी के साथ दोनों ही पार्टियां यहां पर मैदान में उतरी हैं? नहीं सिंह साहब, देखिए मैं बताऊं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है और उनके मन में एक ही चीज चलती है कि इलेक्शन है तो हम जीते, कौन नहीं जीतना चाहता है। बिल्कुल। और अपनी अपनी समझ के हिसाब से, अपने अपने प्लानिंग के हिसाब से हर एक आदमी, हर एक कैंडिडेट जब चुनाव में उतरता है पूरी तैयारी के साथ उतरता है, और फॉर ए पर्टिकुलर दैट मोमेंट, उस क्षण के लिए, उस महीने के लिए अगर देखा जाए तो उनकी समझ से यह होता है कि हमारी तैयारी पूरी है। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो उनकी सारी तैयारियां पूरी थी। उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र बनाया वो बेस्ट घोषणा पत्र है। उन्होंने जो रैलीज की जो भाषण दिए वो उनके हिसाब से बेस्ट है। अब स्ट्रेटजिक अगर एनालिसिस आप देखेंगे तो यहां पे अगर मैं तीन लीडिंग पार्टियों की एनालिसिस करूं, देखिए जेडीएस के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो जेडीएस तो नेपथ्य में चली गई है। आप टीवी और मीडिया वगैरह भी देखिए तो ये उतना माइलेज या अपने आप को पोजिशन नहीं खेल बिगाड़ सकती है या बना सकती है कि इस स्थिति में ये क्या नजर आती है। नहीं देखिए, जैसे सारे टीवी चैनलों का अभी एनालिसिस है कि भाई हंग टाइप का रिजल्ट आएगा। अगर हंग टाइप का रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली एनी अदर, इवन निर्दलीय, अगर आप पिछले इलेक्शन में देखेंगे तो 9-10 सीट निर्दलीय थे, वो भी खेल बनाया बिगाड़ सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है पिछली बार भी 2013 में जब इलेक्शन हुए थे तो जेडीएस को कोई मौका नहीं मिला, न समर्थन लेने का न देने का, क्योंकि बॉर्डर लाइन क्लियर कट मेजॉरिटी आ गई थी। अब की बार बॉर्डर लाइन क्लियर कट मेजॉरिटी से भी ज्यादा मेजॉरिटी आएगी, तो मुझे लगता है जेडीएस को, जो मेरा प्राइमा फेसी जो मेरा है, होने को कुछ भी हो सकता है, जेडीएस जो पिछली बार इनके 40 सीट थे वो शायद ये 25 सीट तक सिमट जाएंगे, इनको और लॉस होगा। उसका रीजन है, गेन अगर किसी को होगा तो बीजेपी को गेन होगा, अगर कांग्रेस आती है तो सेकंड नंबर पे कांग्रेस को गेन होगा। और देखिए, जब आंधी चलती है तो जो सबसे कमजोर होता है, जो सबसे कमजोर झोपड़ी होती है, उसी को नुकसान सबसे ज्यादा होता है। तो हर मामले में देखा जाए तो जेडीएस जो है बहुत दिनों से आउट ऑफ पावर है, इनकी वर्किंग स्टाइल वगैरह, तो सबसे ज्यादा नुकसान भी अगर इनको होगा तो ये जेडीएस को होगा। जेडीएस को तो ये कैलकुलेट करना चाहिए मुझे नुकसान कितना होगा। मेरे ख्याल से ये किंग मेकर की भूमिका निभाने की इनकी कंडीशन, इनको वो मौका नहीं मिलेगा सर। बिल्कुल, वो मौका नहीं मिलेगा जिस मौके का वो इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके की बातें 2013 में नहीं मिला, जब बीजेपी इतनी कमजोर थी 2013 में, तब कांग्रेस एकदम क्लियर कट मेजॉरिटी से आ गई। उस वक्त की स्थिति और इस वक्त की स्थिति बहुत बीजेपी आज बहुत मजबूत है पूरे नेशनल लेवल पे। देखिए करना, देखिए बीजेपी क्यों ये चुनाव, देखिए बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी वो दूसरी बात है, थोड़ा सा साइंटिफिक एनालिसिस करें। बीजेपी क्यों इतनी सीरियस है दक्षिण के लिए? बीजेपी का जो संकल्प है, जो घोषणा वाक्य है, उद्घोष वाक्य है कांग्रेस मुक्त भारत, इनका सपना तभी पूरा होगा जब ये कर्नाटक में आ जाए। ऑलमोस्ट सब जगह इन्होंने कांग्रेस को हटा दिया है, तो बीजेपी बहुत सीरियस इफर्ट ले रही है कर्नाटक के लिए, और उनको हर हाल में उनका टारगेट ये है कि जीतना है। आप कैंपेनिंग की अगर एनालिसिस करें तो उससे भी आप देख सकते हैं बीजेपी कितनी सीरियस है और कितनी संभल के चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी को अगर लेके वहां पे जाया गया तो क्यों लेके जाया गया, इसकी क्या जरूरत पड़ी? और एक और चीज आप देखिए, बड़ी खास चीज है कि येदुरप्पा जी, जिन्होंने पिछली बार इतनी पदयात्रा करके सरकार बनाई थी, उनको बीजेपी ने बैक फुट पे रख दिया, उनको सामने नहीं किया कैंपेनिंग के लिए, उसका एक रीजन था। उनके साथ कुछ न कुछ क्वेश्चन मार्क, भ्रष्टाचार के केसेस जुड़े हैं। तो बीजेपी ने दोनों हाथों में लड्डू रखते हुए अपने बड़ा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट किया कि ठीक है, येदुरप्पा को हम सीएम बना देंगे, लेकिन इनको हम सामने उतारेंगे तो विपक्ष जो है भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते हुए हमारे कैंपेन को खराब कर सकती है। लेकिन उम्मीदवारों की संख्या दोनों ही पार्टियों में कम नहीं है। अभी मैं कह रहा हूं कि जैसे मिश्रा जी ने यही बात कही है, मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल, यानी कि कोई भी मुद्दा छूटा नहीं है। मिश्रा जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस की बातों से? नहीं देखिए, मैं कांग्रेस की बातों से इत्तेफाक रखता हूं। यहां पे देखिए क्या होता है सिंह साहब, मैं आपको बताऊं, जो इलेक्शन का लास्ट का वन मंथ होता है ना, देखिए ऑनेस्टी होनी चाहिए, मुद्दे होने चाहिए। अभी आपने एक बात उठाई थी कि भाई दागी दोनों तरफ है, तो इस तरीके से देखा जाए तो दागी दोनों तरफ है तो जनता को नहीं चुनना चाहिए दागी लोगों को, लेकिन जनता क्यों उनको चुन के भेज देती है? सवाल यहाँ पे है, देखिए मुद्दे हिंदुस्तान में आजादी के बाद से वही है, गरीबी भगाना है, विकास करना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, वो आज तक एक कॉन्टिन्यूअस मुद्दा चल रहा है। जो मुद्दे इन्होंने बताए वही सारे मुद्दे बीजेपी भी गिना रही है। एक दो मुद्दे अलग हो सकते हैं, दोनों का घोषणा पत्र आप देखिए,
बहुत सारे कॉमन एजेंडा मिल जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम मतलब कोर ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे, ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे तो कंट्री या स्टेट में सेम है। क्वेश्चन ये होता है कि एक महीने में जो ये होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है साइकोसोमेटिक, आप अपने एक्टिविटीज से, अपने कैंपेन से आप वोटरों की मनोदशा को, उनके साइकोलॉजी को कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं जिसके कारण वो इधर झुकेगा या उधर झुकेगा। पूरा एक महीना बहुत जद्दोजहद चलती रहती है वोटरों के बीच में, कभी वो एक पार्टी की तरफ जाता है, कभी दूसरी पार्टी की तरफ जाता है। ये बोलते हैं कि स्ट्रेटजिक प्रेजेंटेशन, स्ट्रेटजिक कैंपेनिंग। इस मामले में बीजेपी, मैं ये मानूंगा कि वो बहुत ज्यादा संगठित है, उनकी यूएसपी दूसरे पार्टियों से बहुत अच्छी है। यही रीजन है कि विकट से विकट परिस्थिति में भी, यूपी इलेक्शन हो आप ये देखो, उन्होंने जहां चाहा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन जीता। कुछ ऐसे रीजन है, मैं ये मानने को तैयार हूं कि भाई चलिए हो सकता है बीजेपी बहुत खराब है, या जेडीएस सबसे अच्छी पार्टी है, या कांग्रेस सबसे अच्छी पार्टी है। सही क्या है, गलत क्या है, डेवलपमेंट का पैरामीटर होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है, वो डिफरेंट चीज है सर। इलेक्शन जब होता है तो पूरा एक साइकोसोमेटिक साइकोलॉजिकल वॉर होता है, वहां पे कौन किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, किन मुद्दों, कई बार जरूरी जो मुद्दे होते हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं वो पीछे हो जाते हैं, और कोई धर्म से रिलेटेड मुद्दा होता है वो हावी हो जाता है, वो ओवरलैप कर जाता है। तो इलेक्शन का जो रिजल्ट डिसाइड होगा वो इन चीजों से होगा। और अभी भी मैं, आप देखिए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता से देखेंगे, भले ही उनको पता है कि वो हार रहे हैं, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता वो ये बोलेंगे कि जी हम जीत रहे हैं, हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि घोर से घोर विकट परिस्थिति में भी अगर आशावादिता आपको सीखनी है तो आप हमारे देश के नेताओं से सीखिए। बिल्कुल आशावादी। शज यहां पर योगी आदित्यनाथ को वहां पर पहुंचाया गया, आपने जिक्र भी किया था, वहां पर हिंदी भाषाई क्षेत्र से वो आते हैं, मुख्यमंत्री हैं एक दूसरे स्टेट के, वहां पर जाकर कितना प्रभाव छोड़ पाए, और अंतिम समय प्रधानमंत्री को क्यों इतनी ज्यादा तवज्जो वहां पर देनी पड़ी, प्रतिष्ठा का सवाल यहां पर या वर्चस्व की लड़ाई में पीछे हट रहे थे वो? नहीं नहीं सर, देखिए सिंह साहब, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, यही फर्क, मैं कोई बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, 2014 के बाद जो कैरिज्मेटिक रिजल्ट्स आ रहे हैं बीजेपी में, यही सोच का फर्क है कि बीजेपी एक एक चीज को बहुत सीरियसली लेती है। ठीक है, आपके पास बहुत दिग्गज नेता है, आप किसी को घर में मत भेजो, कांग्रेस की प्रॉब्लम यही है, आप मत भेजो किसी को। देखिए क्या है, मैं बोलता हूं कि प्रधानमंत्री बीजेपी के आदमी है, योगी आदित्यनाथ है, जो भी है, हजार लोग जाए, हजारों दिन वहां पर रहे, उसको जो है हमें रोकना नहीं चाहिए। कहने का मतलब, बीजेपी ने क्यों इन लोगों को चुना है, योगी आदित्यनाथ को क्यों चुना है, इतने सारे मठों को जिनके बीच जो है इतना वैमनस्य था, सब लोग अलग अलग थे, उसको अगर कोई एक प्लेटफॉर्म पे ले आकर के सारे वोटों को, सारे वोटरों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आया जाए, तो उसको जो है इस टास्क को अचीव करने के लिए मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ से ज्यादा अच्छा आदमी कोई नहीं है। वो खुद भी एक मठ के मालिक है, मठाधीश है, वो मठ के कल्चर से ही है, सारे मठों में जाकर के इन्होंने मिला, और ये जो लिंगायत की जो इन्होंने जो मुद्दा उछाला था, देखिए दो महीने तीन महीने पहले कांग्रेस ने मुद्दा उछाला था, इलेक्शन के टाइम पे लिंगायत को अलग धर्म घोषित करना, ये मुद्दा ही फुस हो गया, कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस मुद्दे को, इस मुद्दे की काट जो है बीजेपी ने बड़ी अच्छी निकाली है, लगभग मेरे ख्याल से 35 या 47 लिंगायत के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, उसके ऊपर से आपने योगी आदित्यनाथ जी को वहां पे भेजा। अभी देखिए रीजनल और उस मुद्दे की बात चल रही थी, देखिए ये बड़ा नेचुरल है और साइंटिफिक है, बीजेपी की गवर्नमेंट वहां नहीं रही है, जिसके पास जो है वो उसी चीज को डिस्क्राइब करेगा ना। क्यों कांग्रेस जो है अपने नेशनल मुद्दों को डिस्क्राइब नहीं करती, क्योंकि उसके पास डिस्क्राइब करने के लिए है नहीं, अभी 5 साल का। कांग्रेस उन नेशनल मुद्दों को डिस्क्राइब करती है जब उन्होंने किया है, आज के 10 साल 20 साल पहले। बीजेपी के पास जो मुद्दे हैं, नेशनल है, रीजनल है, वो करेगा, जिसके तर्कस में जो तीर है सर वो सारे तीर चलाएगा। मोदी जी बोलते थे 2014 का चुनाव वो गुजरात के विकास मॉडल से जीत गए, तो अगर यूपी में विकास होता तो सारे तीर चले, सारे तीर चले, नहीं देखिए सारे तीर चले, लेकिन जेडीएस, देखिए तीर चलाने में सबसे ज्यादा जो कमी रही है ना वो जेडीएस और कांग्रेस, इसमें भी सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूं कि अगर जेडीएस ने अच्छी से तैयारी की होती तो बहुत अच्छा जो है डेंट सारी पार्टियों को दे सकती थी, उभर सकती थी, लेकिन जेडीएस को पता ही नहीं था कि कौन कौन से तीर हमारे तर्कस में रखे हैं, उन्होंने यूज ही नहीं किए। ऐसे ही कांग्रेस ने कुछ बड़े अच्छे जो मतलब उनके स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हो सकते थे उस चीज को उन्होंने नहीं उठाया, अगर उठाया तो बहुत गलत तरीके से उठाया। अभी देखिए मैं शायद सुन रहा था, मुझे पता नहीं, डायरेक्टली मैंने नहीं देखा, लास्ट मोमेंट पे जेडीएस और ये कांग्रेस जो है दोनों ने एक होने की घोषणा कर दी। देखिए ये क्या है, ये ब्लंडर है, इससे इन दोनों पार्टियों को फायदा नहीं होगा, इन दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। या तो आप 6 महीने पहले 4 महीने पहले करते,
देखिए इससे होगा क्या, अब जो कैंडिडेट, अब जेडीएस में कौन बैठेगा, कांग्रेस में कौन बैठेगा, दोनों कैंडिडेट में डिस्प्यूट हुआ, वोटर कंफ्यूज होंगे, जेडीएस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के आला कमान अगर बोल रहे हैं कि भाई आप बैठ जाओ यहां पे, वो दूसरी पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा, तो जो कैंडिडेट है उसके मन में क्या होगा कि छह महीने मेहनत मैंने की, पैसा मैंने खर्च किया, मेरे जीतने के चांसेस है तो मुझे बैठा रहे हैं। तो ये एक इतना जबरदस्त ट्राइंगुलर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, मतलब जेडीएस कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनके जो है नेताओं के अंदर, और वोटर कंफ्यूज हो जाएंगे। वोटर एक परसेप्शन ये भी डेवलप करेंगे कि लगता है लड़ने के पहले इन्होंने अपनी हार मान ली है, भाई एक साथ दो दिन पहले एक साथ होने का क्या मतलब है, आपको एहसास हो गया कि आप जीत नहीं पा रहे हो, अभी तक तो आप बोल रहे थे कि हम अकेले अपनी सरकार बनाएंगे। तो वोटर स्पेशली जो शिफ्टिंग वोटर होता है, जो डिसाइड करता है, वो इमीडिएटली शिफ्ट हो जाता है उस तरफ जो सबसे मजबूत स्थिति में है, यानी कि घर से कुछ और सोच कर निकले थे और मतदान केंद्र पर पहुंचे तो सोच बदल गई। सिंसाफ होता है, देखिए ये होता क्या है, मैं देखिए ये सारे प्री पोल जितने भी होते हैं सारे गलत साबित होते हैं, उसका रीजन है, रीजन ये है कि आप गए, आपने किसी के पास माइक जो है लगाया, उसके मुंह पे बोला किसको वोट दोगे, उसको खुद नहीं पता होता है, एक घंटे अभी पोलिंग बूथ पे खड़े खड़े चर्चा करते हुए लोग भी अपना डिसीजन बदल देते हैं, सोच के आए हैं बीजेपी को, लेकिन कुछ ऐसा रीजन आ जाता है वो दे देंगे कांग्रेस को या जेडीएस को। तो ये इतना कंफ्यूजिंग, मतलब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड जो वोटर का होता है ना, बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है सर, एक स्टेटमेंट से वो इमीडिएट बदल जाता है, एक मिनट पहले बदल जाता है। तो रीजन ये है कि इन सब चीजों को मैनेज करने की अगर ये बात देखा जाए तो ये बहुत, ये होता क्या है, मैं देखिए ये सारे प्री पोल जितने भी होते हैं सारे गलत साबित होते हैं, उसका रीजन है, रीजन ये है कि आप गए, आपने किसी के पास माइक जो है लगाया, उसके मुंह पे बोला किसको वोट दोगे, उसको खुद नहीं पता होता है, एक घंटे अभी पोलिंग बूथ पे खड़े खड़े चर्चा करते हुए लोग भी अपना डिसीजन बदल देते हैं, सोच के आए हैं बीजेपी को, लेकिन कुछ ऐसा रीजन आ जाता है वो दे देंगे कांग्रेस को या जेडीएस को। तो ये इतना कंफ्यूजिंग, मतलब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड जो वोटर का होता है ना, बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है सर, एक स्टेटमेंट से वो इमीडिएट बदल जाता है, एक मिनट पहले बदल जाता है। तो रीजन ये है कि इन सब चीजों को मैनेज करने की अगर ये बात देखा जाए तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। बीजेपी के साथ फायदा ये है ना कि इन्होंने अपना जो रिफॉर्म किया है 2014 के बाद, इतने गजब के तरीके से इन्होंने रिफॉर्म किया है, मैनेजर्स अच्छे हैं, मैनेजर्स अच्छे हैं, पॉलिटिकल मैनेजर्स अच्छे हैं। देखिए कांग्रेस में भी पोटेंशियल है, सारी पार्टियों में पोटेंशियल है, लेकिन मुझे जो लगता है कांग्रेस और जो पुरानी पार्टियां हैं क्षेत्रीय छत्रपा सपा बसपा, ये उतना इनका जो एग्जीक्यूशन है ना वो उतना अच्छा नहीं है, ये अभी भी आज के 30 साल पहले वाली सोच लेके चल रहे हैं कि जी हम नेता हैं, हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जो हमने बोल दिया वो दे दिया, आज हर हाथ में स्मार्ट नहीं, लेकिन वो बैलगाड़ी से भी वो भाषण वहां पर दे रहे थे राहुल गांधी, नहीं आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, बैलगाड़ी पे थे, बस पे थे, बैलगाड़ी पर थे, हेलीकॉप्टर नहीं थे, क्वेश्चन ये नहीं है बैलगाड़ी पे थे, वो एक मुद्दा है, आपने अपना आक्रोश करने के नहीं, आपने हेलीकॉप्टर का जिक्र किया ना कि पिछली सोच से बाहर नहीं निकलने की कोशिश कर रहे, नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये है, सोच ये है जो पुरानी पार्टियां हैं उनकी, वो अपने अंदर बदलाव नहीं ला रही, सोच ये है कि जी बड़े बड़े जो नेता हैं वो जाके भाषण दे देंगे, क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए पिछली बार का अगर आप इलेक्शन का लीजिए, 36.6% जो वोट मिले थे वो कांग्रेस को मिले थे, बीजेपी को 19.9 मिले थे, येदुरप्पा जी को लगभग 10% मिले थे, आप 20% और 10% ये मिला दीजिए, और निर्दलीय जो है जिनको 7 या 10% मिले थे, तो 36% से ज्यादा तो ये तीन पार्टियां बीजेपी मिल गए, येदुरप्पा मिल गए, निर्दलीय मिल गए, और एक दो पार्टियां और जो आई है, तो वोट परसेंटेज ऑफ वोट अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ऑलरेडी 1-2% से कांग्रेस को क्रॉस कर रही है, क्योंकि येदुरप्पा वगैरह मिल गए ना। अब 5% का वोट स्विंग कैसे होगा सर, मैं आपको बताता हूं, अगर 5% का भी वोट स्विंग बीजेपी करा ले इनके लिए बड़ा आसान है। देखिए पिछली बार अगर आप वोट देखेंगे तो टर्नओवर 70% था, अगर आपकी बार ओवरऑल वोटर टर्नआउट जो है आपका 70 या 80% चला जाता है, और 50,000 आप पोलिंग बूथ मानिए, 54,000 है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 50,000, 4 करोड़ आप वोटर मानिए, अगर इसको इक्वली आप डिवाइड करिए तो हर बूथ से केवल 40 एडिशनल वोट इनको चाहिए। तो इनके पास इतने वर्कर्स है ना, आप आरएसएस वगैरह के, कि हर घर पे ये खड़ा कर देंगे, इस समीकरण को ये साध सकते हैं, ठीक है सर, ये साध रहे हैं, इसी कारण ये जो अगर ये जीतते हैं बहुत अच्छे तरीकों से, क्योंकि अभी तो हम संभावनाओं पर बात करेंगे, साध सकते हैं या नहीं वो तस्वीरें 15 तारीख को सारी पॉइंट है, और यही ये कर रहे हैं। तो यहां पर वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत है गोविंद। देखिए प्रधानमंत्री हैं वो देश के, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, और उनका आदर करता हूं मैं, पर वो जहां जाएंगे जाहिर सी बात है, मैं कह रहा हूं वो न्यूज बनेगी, वो प्रधानमंत्री हैं देश के,
वो कश्मीर चले जाएं, कन्याकुमारी चले जाएं, कर्नाटका चले जाएं, न्यूज तो बनेगी, पर इसका न्यूज का मतलब ये नहीं होता है कि वोट बनेंगे। विनायक जी लीडरशिप पे भी देख के वोट दे, विनायक जी रमैया जी का मुकाबला करेंगे येदियुरप्पा जी से। विनायक जी जो फ्यूचर के अपने प्रधानमंत्री होने वाले हैं, मैं बात श्री राहुल गांधी का कर रहा हूं, वो कहीं जाते हैं तो न्यूज नहीं बनती है क्या? वो भी तो फ्यूचर के, उन्होंने खुद बोला था कि हाँ भाई 2019 में मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। चलिए मैं मान लेता हूं कि 2019 में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो आप ये बोलना चाहते हैं कि वो कहीं जाते हैं तो न्यूज ने। देखिए विनायक जी होता क्या है, केवल ये नहीं, आप किसी बहुत बड़े फिल्म स्टार को भी लेके जाते हैं तो न्यूज बनती है, ये ठीक है। वो बीजेपी के हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, कोई भी हो गए, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो अपनी पार्टी के लिए तो कैंपेन करें, नहीं करेंगे 10 दिन करें 20 दिन करें, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन की क्या बात है। मैं तो बोलता हूँ प्रियंका गांधी जी को भी जाना चाहिए था, अब न्यूज नहीं बनती है इसलिए नहीं गई क्या? ऑब्जेक्शन ही नहीं है। मैं आपका सवाल, आप स्टेटमेंट दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सर सवाल पूछ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई प्रियंका गांधी, क्या प्रियंका गांधी जी नहीं गई कैंपेनिंग में तो क्या उसका रीजन ये था कि वो न्यूज नहीं बनती है, या राहुल गांधी क्या है तो न्यूज बन रही है तो वोट में कन्वर्ट होगा, क्या इसका रीजन क्या है? भाई राहुल गांधी जी भी तो 10 दिन वहां पे थे, 20 दिन वहां पे थे, आपके भी बहुत सारे लीडर्स थे। मेरे कहने का मतलब चश्मा सेम होना चाहिए ना सर किसी चीज को देखने के लिए। आपकी पार्टी हो, किसी जेडीएस वालों ने भी अपने तरफ से बेस्ट प्रचार किया जो सारी चीजें हैं, बिल्कुल सेम है। तो फिर आप मोदी जी के लिए क्यों बोल रहे हैं चाइना से सीधे वहां चले गए? अरे उनकी पार्टी है, उनको जाना है। राहुल गांधी जी दिल्ली से वहां चले गए, क्यों चले गए सर? आपके हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए था, वो कर्नाटका के हैं नहीं। देखिए ये अच्छा। चलिए मैं आपकी बात से जवाब ले लेता हूं, उनका जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी जवाब ले लेते हैं जी। पहली चीज, मैं मेरे को जवाब देने दीजिए ना, अब आपने आपने बहुत सारा बोला, मुझे जवाब दीजिए। पहली बात, सबका जन्म से अधिकार है, सबका जन्म से अधिकार है कि वो जाके प्रचार करिए। हमने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो उस बारे में दिक्कत, आपने मेरे से पूछा कि मोदी जी का वहां जाने से इलेक्शन पे क्या इंपैक्ट होगा, क्या वोटर को कुछ फर्क पड़ेगा, मैंने उसका जवाब दिया, मैंने और कुछ कहा नहीं। और ये फैक्ट है कि वो चाइना से सीधा कर्नाटका चले गए, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, देश के प्रधानमंत्री और जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। प्रधानमंत्री का एक और दायित्व होता है, वो है सत्ता चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, गवर्नमेंट को करना, सिर्फ वोट मांगने का काम नहीं होता है। पर छोड़िए वो बात को, कोई दिक्कत नहीं है, उनका अधिकार है, उनका हक है, उनका बनता है, जाएंगे प्रचार करेंगे। इस मैंने कोई इसमें सवाल ना, मेरा मैं कौन होता हूं सवाल उठाने वाला। आपने मेरे से पूछा कि उनका वहां जाने से वोट के फर्क पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है, कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है कि नहीं पड़ेगा, उसी का एक सिंपल जवाब दे रहा हूं मैं ना, और कुछ मैंने कहा नहीं इस पे। ठीक है सर, ठीक है, और कुछ पूछना चाहती है तो पूछिए। तो बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के 224 में से 222 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। 9 बजे तक की बात करें तो 10.6% वोटिंग हुई। उतना ही पैसा भाजपा ने अपने मित्रों को दे दिया, उतना ही पैसा कांग्रेस ने मनरेगा में लगा दिया। देखिए ये अगर हमने ये जो आरोप है वो लगातार हर चुनाव में लगते रहे भाजपा ने, लेकिन कर्नाटक की जनता के लिए क्या वादे किए गए? इस सवाल का जवाब मैं राजनीतिक विशेषज्ञ तौर पर यहां पर ए के मिश्रा जी बैठे हुए हैं, उनसे लेना चाहूंगा कि क्या। मैंने सबसे पहला देखिए सवाल आपसे यही पूछा था कि जब चुनावी सभाएं हुई, चुनावी जनसभाएं हुई, तो उसमें क्या हर मुद्दे पर बातचीत हुई, हर मुद्दे को लेकर यहां पर कुछ जनता से वादे किए गए? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कुछ मिसिंग था इसमें, क्योंकि जीत सभी के लिए जरूरी है, सभी पार्टियां चाहती हैं कि वो जीतें, जीतने के लिए मैदान में, लेकिन क्या सभी मुद्दों पर बातचीत हुई जो स्थानीय मुद्दे हैं खासतौर पर? मिश्रा जी नहीं, देखिए सिंह साहब मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले भी बोला 60-70 साल की हमारी आजादी का इतिहास है, और जितने मुद्दे यहाँ पे पहले थे वही अभी हैं, चाहे वो बीजेपी आ जाए चाहे नहीं, नहीं मुद्दे तो हैं, लेकिन मुद्दों पर बात हुई उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट, कोई प्लान इसकी नहीं वो कोई नहीं है सर। देखिए ये सारी पार्टियों का, मैं ऑल पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस पब्लिक को मैं करूं, जो रियल वे में जो होना चाहिए, होता क्या है, देखिए क्या होता है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो करंट में क्राइसिस के लेवल पे किसी स्टेट या जगह पे चल रहे होते हैं, उन मुद्दों को हाईलाइट कर दिया जाता है, वो चाहे मंदिर निर्माण का हो, चाहे सड़क निर्माण का हो, चाहे 5 रुपए या 10 रुपए में खाना देने का हो, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको हाईलाइट करके पूरे के पूरे इलेक्शन कैंपेन को, विक्ट्री को हाईजैक, वोट बैंक को हाईजैक करने की कोशिश की जाती है। आप सारी पार्टियों के आप मुद्दे उठा के देख लीजिए, इनका घोषणा पत्र वो केवल घोषणा पत्र है, और उसमें बहुत सारी आपको कॉमन चीजें मिल जाएंगी। हम इनको ये फ्री में देंगे, महिलाओं को वो देंगे, ऐसे करेंगे, लैपटॉप देंगे,
किसी ने लैपटॉप दिया तो किसी ने मोबाइल का वादा कर दिया, मुद्दे तो सेम है ना। देखिए जनता यहां पे छली कहां जाती है, ये एक महीने का, इट इज ओनली द 9 डेज वंडर सर, जिसको इंग्लिश, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पब्लिक के साथ क्या होता है, एक महीने तक ऐसा माहौल सारी पार्टियां बनाती हैं कि जी हम ही हम है, बाकी सब एकदम बेकार है, उसके बाद क्यों वही कर रहा। मैं बोलता हूं 5 रुपए खाना वाला है या बहुत सारे ऐसे हैं, किसी भी गवर्नमेंट की मैं बात करूं, यूपी में अखिलेश जी ने, अखिलेश यादव जी ने एक दिन में, मैं सुन रहा था 99 प्रोजेक्ट को उन्होंने जो है लॉन्च कर दिया। तो 5 साल पड़े थे तो आपने लॉन्च नहीं किया, ऐसे ही हर स्टेट में आप, हालांकि उसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा, फायदा उन्हें नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा सर। आप एक महीने पहले आप करोगे तो फायदा आपको नहीं मिलेगा। आपसे पूरा जवाब लूंगा। सभी मेहमान यहां पर प्लीज बने रहिए हमारे साथ, तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि कर्नाटक चुनाव में क्या मिसिंग रहा है या फिर तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। जुड़े हुए हैं एके मिश्रा जी, जुड़े हुए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ। आपको 4 साल में इतनी तकलीफ हो गई कि आप ऐसे मुद्दे, आप ऐसे मुद्दे नहीं चला। देखिए आप ये मत बोलिए कि आपने धैर्य का सामना किया, अभी तो ये एक ओपन जंग होती है सर। आप जीतो जो सभी के, मैं तो बोलता हूँ देश की ये दुर्दशा है। एक छोटे से विधायक से आप पूछिए, वो नहीं चाहता है क्या मैं मुख्यमंत्री बनूं, छटपटाहट तो उसके अंदर भी होती है। सत्ता पाने के लिए इमरजेंसी लगा दो, अरे माने के लिए इमरजेंसी लगा देंगे आप। इमरजेंसी का जो एक पर्टिकुलर पीरियड है, मैं उसको, उस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, और उसका रिजल्ट उनको मिला, ठीक है। लेकिन एक सत्ता पाने की, बीजेपी में मैं था वहां पे इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में, नितिन गडकरी जी ने सीना ठोक के बोला कि भाई हम चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं। मैं बोलता हूं ये अच्छी बात है, आप सारे लोग एक्सेप्ट करो ना कि भाई हम चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जी सेवा करने, हम चुनाव जीतने के लिए ही तो लड़ रहे हैं, तो इसको एक्सेप्ट करने में, वो चीज, वो मनोभावना आपके अंदर भी है, सारे कैंडिडेट सारी पार्टियों के अंदर है, सब चाहते हैं कि भाई मैं जीतूं। ठीक है, चलिए डिबेट में नरेश श्रीवास्तव जी को जोड़ लेते हैं, दोनों में फर्क है।